लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बिल्डिंग बनाने खोदी जा रही थी जमीन, नीचे से निकला पत्थर का बना दुनिया का सबसे बड़ा ताबूत, इसके अंदर कौन दफन है ये अब भी पहली खबरें। जरा हटके डेस्क, इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में जमीन खोदते वक्त एक अद्भुत खोज हुई है। यहाँ एक बिल्डिंग के निर्माण से पहले जमीन खोदकर उसका जायजा लिया जा रहा था। करीब 16 फीट खोदने के बाद इंजीनियर्स को एक अजीब सी चीज नजर आई, जिसे देखकर पुरातत्व विभाग को बुलाया गया। जब जांच की गई तो पता चला कि ये एक पत्थर से बना ताबूत था, जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से करीब 2000 साल पुराना था। इसकी लंबाई करीब 9 फीट थी। इससे पहले दुनिया में पत्थर का बना इतना बड़ा ताबूत कहीं नहीं खोजा गया। इसे देखकर अंदाजा लगाया गया कि जिसे भी इसके अंदर दफन किया गया वो करीब 8 फीट लंबा रहा होगा। आसपास मिली चीजें ने खोला राज, दैश आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एमन इश्मेवी ने बताया कि इस कब्रगाह को देखकर लगता है कि ये किसी शासक का ताबूत है। कब्र के पास ही एक विशाल काया सिर का स्टेच्यू, कांसे के बर्तन, नक्काशी किए हुए मिट्टी के बर्तन भी मिले। वहीं पास ही एक सोने का सिक्का भी मिला, जिसमें किंतालमी आई का चेहरा उकेरा हुआ है। माना जाता है कि किंतालमी आई इजिप्ट की आखिरी शासक महारानी क्लियोपेट्रा के पूर्वज थे। हालांकि ये साफ नहीं है कि ताबूत के अंदर किसे दफनाया गया था। खुलेंगे और भी राज्य सरकार के पुरातत्व मंत्रालय के मुताबिक ताबूत खोलने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। मंत्रालय के मुताबिक यहां कुछ और भी चीजों प्राप्त हुई हैं, जिसे जल्द ही सबके सामने लाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि प्राचीन समय की इन चीजों के मिलने से इजिप्ट के टूरिज्म को निश्चित तौर पर फायदा होगा।